हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू इंटेलिजेंस क्वेश्चन। एक बहुत मैसिव 75 बिलियन डॉलर वर्थ की डील जो कि फिक्स हुई थी पिछले वर्ष यानी वर्ष 2019 में मुकेश अंबानी जी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सऊदी अरेबिया की फर्म सऊदी अरामको के बीच में, वो अब इस वर्ष में हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो डील अप्रूव हो जाएगी। जानेंगे इसका क्या सिग्निफिकेंस है आज के वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए इंटेलिजेंस क्वेश्चन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है जिसमें उन्होंने बोला है कि मुकेश अंबानी सेज आफ्टर अनप्रेसिडेंटेड फंड रेजिंग। मतलब हम सबको पता है अभी मुकेश अंबानी जी की कंपनी जियो ने बहुत ज़्यादा ही फंड, ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ तक का फंड रेज किया है बाय सेलिंग इट्स शेयर्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज वर्किंग टू क्लोज अरामको डील। मतलब अब ये लोग फोकस कर रहे हैं सऊदी अरामको के साथ जो इनकी डील थी उसको क्लोज करने के लिए। तो जानते हैं अब ये कहाँ, यहाँ क्या है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सेड इट इज़ वर्किंग टू कंप्लीट द कॉन्टूअर्स ऑफ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद सऊदी अरामको। और ये कभी का है, ये आज सुबह का ही आर्टिकल है, जून 24, 2020 का सुबह 11:46 का ये आर्टिकल है। तो ये जो फंड रेजिंग हुई थी रिलायंस जियो के द्वारा, हम पहले उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। हमारे देश के सबसे बड़े अरबपति बिलियनर मुकेश अंबानी जी, जिनकी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसने बोला है कि जो उन्होंने अभी रिसेंटली फंड रेज किया है बाय सेलिंग इट्स ऑलमोस्ट 20% ऑफ स्टेक एंड एक्वायरिंग मोर देन 1,68,818 करोड़ रुपीज़ इन जस्ट 2 मंथ्स। जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी ये लोग पैसे कमा रहे थे। देखिए यही है भारतीय, कहीं से भी कभी भी अपनी इनकम जेनरेट कर लेते हैं। आफ्टर रीसेंट फंड रेजिंग एक्टिविटी विच ही रिफर्स टू एज अनप्रेसिडेंटेड इवेंट। मतलब हम इस इवेंट को भुला नहीं सकते क्योंकि 2 महीने में, ऐसा आज तक भारत की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि 2 महीने में किसी कंपनी ने अपने 20% स्टेक सेल करके ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ रुपए तक जुटाए हो। इन इंडियन कॉरपोरेट हिस्ट्री, जैसा कि मैंने अभी बताया, द कंपनी इज़ नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्लोजिंग इट्स डील विद सऊदी अरामको। नाउ आप सऊदी अरामको को थोड़ा जानने की इतनी ज़रूरत नहीं। सऊदी अरामको वैसे एक बहुत ही बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंपनी है एंड इट इज़ बेस्ड इन सऊदी अरेबिया। और मैं आपको एक और बता दूँ कि सऊदी अरामको के ऊपर ही ऑलमोस्ट यहाँ की सऊदी अरेबिया की काफ़ी ज़्यादा GDP डिपेंड करती है। सो वॉट नाउ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है यानी RIL जो है, उसने 1,68,818 करोड़ रुपीज़ जेनरेट किया। हम सबको पता है 2 महीने में बहुत ही मैसिव इवेंट था, हम सबको न्यूज़ में जानने को मिल रहा था। थ्रू द कंट्रीज लार्जेस्ट एवर राइट्स इशू। राइट्स इशू क्या होता है? तो राइट्स इशू में क्या होता है, आप समझिए आपने ऑलरेडी रिलायंस का स्टेक, मतलब कुछ शेयर्स खरीद रखे हैं, तो अब रिलायंस स्टेक इशू द्वारा, सॉरी राइट्स इशू द्वारा आपको ये एक मौका देता है कि आप जो है अपने शेयर्स और बढ़ा सकते हैं, मतलब और ज़्यादा वैल्यू की शेयर्स खरीद सकते हैं। क्योंकि हम सबको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज जो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में चल रही है, तो आप इसके और ज़्यादा शेयर्स खरीद के अपने आप को भी प्रॉफिट में ला सकते हैं। एंड अ सीरीज ऑफ स्टेक सेल डील्स, और उसने कुछ अपने स्टेक्स बेच के, किसके, जियो प्लेटफॉर्म के। हम सबको पता है जियो कितनी मैसिव कंपनी बन चुकी है आज के दिन में टेलीकॉम सेक्टर में, और सिर्फ टेलीकॉम में नहीं, ये अलग अलग सेक्टर्स में आजकल काम कर रही है। डिलीवरिंग अ प्रॉमिस गिवन टू शेयर होल्डर्स इन ऑगस्ट लास्ट ईयर। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि पिछले वर्ष यानी वर्ष 2019 में अगस्त में हमारे जो अरबपति हैं मुकेश अंबानी जी, इन्होंने अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे एक प्रॉमिस किया था कि अगले 18 महीने में, मतलब वर्ष 2021 के मध्य से पहले पहले ये अपनी कंपनी को नेट डेप्ट फ्री बना देंगे, और ऐसा इन्होंने कर भी दिया है। तो इस तरह इन्होंने अपने जो प्रॉमिस किया था अपने स्टेक होल्डर से, अपने शेयर होल्डर से, वो उसे पूरा कर दिया है।
नाउ व्हाट मुकेश अम्बानी सेड एट द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान इन्होंने क्या कहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक फ़ोटो है उस एनुअल जनरल मीटिंग की। आपकी इसको आपको इससे एक थोड़ी और बेटर इमेज दिखाऊंगा वो नेक्स्ट इसमें, जो वर्ष 2019-20 की है। सो इन द एनर्जी बिजनेस, मतलब क्या जो हमारे एनर्जी का सेक्टर होता है ना, जिससे हमको लाइट मिलती है एंड फ्रॉम वेयर वी गेट आर मेनी डिफरेंट थिंग्स लाइक पेट्रोलियम एटसेट्रा, इन द एनर्जी बिजनेस रिलायंस इज़ वर्किंग टू कंप्लीट द कॉन्टूअर्स, मतलब जो जो भी निर्धारित चीज़ें हैं उनको पूरी करने की कोशिश कर रहा है कौन, रिलायंस, ऑफ अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद सऊदी अरामको। बहुत मैसिव डील है, अगर ये पूरी हो जाती है सऊदी अरामको के साथ तो ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील बन जाएगी। द पार्टनरशिप गिव्स आर रिफाइनरीज एक्सेस टू अ वाइड पोर्टफोलियो ऑफ वैल्यू असर्टिव क्रूड ग्रेड्स एंड एनहैंस फीड स्टॉक सिक्योरिटी फॉर अ हायर ऑयल टू केमिकल्स कन्वर्जन। अब ये आप ध्यान रखिएगा, ये ऑयल टू केमिकल्स से आने वाले, अभी आगे हम जब पढ़ेंगे तो ये O2C आपको बहुत बार दिखेगा। अंबानी सेड इन द कंपनीज एनुअल रिपोर्ट फॉर 2019 एंड 2020। तो अब एक पैंडमिक के दौरान ऐसा क्यों होता है, तो देखिए बहुत सारे लोगों को ऐसा शक था, जिसे कि अब रिलायंस ने खारिज कर दिया है, कि बहुत सारे लोगों को ऐसा था कि सेप्टिसिज्म मे बी राइजिंग दैट सऊदी अरामकोज प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट इन द O2C। देखिए मैंने आपको बोला था ना, याद रखना, ऑयल टू केमिकल बिजनेस विच रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वैल्यूज एट $75 बिलियन विल नॉट बी मटेरियलाइज। मतलब ऐसा संदेह हो सकता है कि सऊदी अरामको के प्रस्तावित निवेश यानी ऑयल टू केमिकल इन्वेस्टमेंट में व्यापार, जो कि RIL मान $75 बिलियन है, भौतिक नहीं होगा। मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा शक हो रहा था कि ऐसा हो सकता है कि ये डील अब नहीं होगी। द अनस्टॉपेबल रिलायंस, अब देखिए जो रिलायंस में इन्वेस्टमेंट हुई है इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो इसमें क्या था, द कॉन्ग्लोमेरेट रेज्ड 53,124 crore and 20 lakh रुपीज़ बाय ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। मैंने बोला था ना वो राइट्स इश्यू के बारे में, ये वही बता रहे वो, एंड अनदर रुपीज़ 1,15,693 crore and 95 lakh रुपीज़, मतलब ऑलमोस्ट 694 crore रुपीज़ थ्रू सेल इन स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म्स थ्रू 11 deals। ये 11 मेजर डील्स के बारे में मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, एक एक डील आपको समझाऊंगा। इन अ मैटर ऑफ जस्ट 58 days, मतलब 60 दिन भी नहीं हुए थे इनको, 60 दिन के अंदर अंदर इन्होंने ये सारे डील्स को अस्तित्व में ला दिया। While India was under a lockdown, मतलब normal situation नहीं थी, lockdown के under ये सब हुआ due to COVID-19, कोरोना वायरस की वजह से जो pandemic है फैली है इसके under ये सब हो गया है।
यहाँ पे देखिए, फॉर्च्यून का आर्टिकल है जिसमें वो कहते हैं कि 11 डील्स फॉर $15 बिलियन इन 10 वीक्स, वाई इंडियाज जियो प्लेटफॉर्म इज ऑन एन इन्वेस्टमेंट स्प्री। ठीक है, हम सबको पता है जियो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और आने वाले टाइम में भी उसकी परफॉर्मेंस ग्रो ही होगी। तो अभी प्रेजेंट की बात करते हैं और फ्यूचर की बात करते हैं। तो अभी ये एक मैटर ऑफ टाइम बन गया है, इट बिकम्स अ मैटर ऑफ टाइम टू सी वेदर द सऊदी पब्लिक फर्म, यानी अरामको की बात कर रहे हैं हम, वेदर द सऊदी पब्लिक फर्म विल शो इट्स इंटरेस्ट्स, बट अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशनल्स, मतलब प्रोफेशनल जो इसमें प्रोफेशनल्स हैं उनके हिसाब से 90 से 95% ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि सऊदी अराम को 100% इन्वेस्ट करेगी। रीज़न ये नहीं कि सऊदी अरेबिया इंडिया से बहुत प्यार करता है। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी परमानेंट कस्टमर नहीं रहता, परमानेंट फ्रेंड या फिर परमानेंट दुश्मन कभी नहीं रहता है, सब अपना प्रॉफिट देखते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें रीज़न क्या होगा, एक तो मैसिव पॉपुलेशन, भारत की मैसिव पॉपुलेशन आने वाले टाइम में 160 करोड़ तक पहुंचने वाली है, तो ये मैसिव पॉपुलेशन को हाई कंजम्पशन रेट रहेगा इसका, तो ये दो बहुत मेजर कारण हो सकते हैं जिससे उसका ऑयल और उससे बनने वाले बाय प्रोडक्ट्स और ज़्यादा बिकेंगे। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अगर ये डील हो गई तो ये आज तक के भारत के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा इन इंडिया, और ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि हो भी जाएगा, कोई रुकावटें तो नहीं आनी चाहिए, बिकॉज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी इस डील के सपोर्ट में है, क्योंकि ये काफ़ी मैसिव इन्वेस्टमेंट होने वाली है। सो अब जानेंगे, अगर इसके ऊपर कोई अपडेट आता है तो मैं वो अपडेट अपडेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।